क्लास फोर्थ इंग्लिश लेसन 9 मोनास फार्म। आज हम मोनास फार्म लेसन पढ़ेंगे। बच्चों इसमें चित्र दिखाई दे रहा है, वह किसका है? यह चित्र देखने से लगता है कि यह जो है खेत का है। और फार्म का मतलब होता है फार्म हाउस, नाम कुछ लोग सुने होंगे। तो वहाँ क्या होता है, हम फसल उगाते हैं और सब्जियाँ भी लगाते हैं, उसे फार्म हाउस कहते हैं। तो फार्म यहाँ पे खेत है और फील्ड यानी भी खेत होता है। आज हम इस लेसन में कठिन शब्दों के अर्थ भी साथ में देखते जाएंगे और पाठ का अर्थ भी समझेंगे। लेसन 9 पाठ 9 मोनास, मोना का फार्म खेत, मोना का खेत। मोनास फादर हैज ए फार्म इन द विलेज। मोनास फादर, मोना के पिताजी का फार्म खेत इन द विलेज, विलेज मीन्स गांव। मोना के पिताजी का गांव में एक खेत है। मोना टैक्स, टेक मीन्स लेना, हर फ्रेंड अपनी सहेली बाला टू द फार्म ऑन अ संडे। फार्म खेत, संडे मतलब रविवार। मोना अपनी सहेली बाला को खेत रविवार को लेकर गई। मोना अपनी सहेली बाला को लेकर रविवार को खेत पर लेकर गई। मोना कहती है, लुक देखो बाला, लुक बाला देखो बाला, दिस इज आवर फार्म। दिस यह, आवर हमारा फार्म खेत, यह हमारा खेत है। दिस इज आवर फार्म, यह हमारा खेत है। दीज ये आर हैं अवर हमारा फील्ड खेत, ये हमारे खेत हैं, ये हमारे खेत हैं। अगला लाइन, बाला कहती है, व्हाट डू यू ग्रो हियर, व्हाट क्या यू तुम ग्रो उगाते हो हियर यहाँ। व्हाट डू यू ग्रो हियर, तुम यहाँ क्या उगाते हो, तुम यहाँ क्या उगाते हो। तो मोना कहती है, वी ग्रो हम उगाते हैं क्रॉप्स फसल, लाइक जैसे वीट गेहूँ, राइस चावल, ग्राम चना एंड और वेजिटेबल सब्जियाँ। वी ग्रो क्रॉप्स लाइक वीट राइस ग्राम एंड वेजिटेबल्स, हम फसल जैसे गेहूँ चावल चना और सब्जियाँ उगाते हैं। सी देखो, दैट इज माई डॉग, वह मेरा कुत्ता है। दैट मतलब वह, दैट इज माई डॉग, वह मेरा कुत्ता है।
अगली लाइन बाला कहती है, व्हाट इज इट्स नेम, इट्स इसका नेम नाम, व्हाट इज इट्स नेम, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। मोना कहती है, आई कॉल हीम सेरू, कॉल मीन्स बुलाती हूँ, हीम उसे सेरू, आई कॉल हीम सेरू, मैं उसे सेरू कहकर बुलाती हूँ। दीज ये आर हैं अवर हमारी काउस गाय, दीज आर अवर काउस, ये हमारी गाय हैं, ये हमारी गाय हैं। दैट वह इज है देयर उनका शेड रहने की जगह, जहाँ हम गाय को रखते हैं उसे शेड बोलते हैं, विश्राम स्थल जिसे हम कोठा भी कहते हैं। दैट इज देयर शेड, ये उनका शेड है, विश्राम स्थल है, ये उनका विश्राम स्थल है। बाला कहती है, हाउ मैनी कितनी काउस गाय डू यू हैव, तुम्हारे पास है, हाउ मैनी काउस डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी गाय हैं। अब मोना कहती है, वी हैव सिक्स, हमारे पास सिक्स छः काउज गाय, फोर चार बुलॉक्स बैल, हमारे पास छः गाय और चार बैल हैं, हमारे पास छः गाय और चार बैल हैं। बाला कहती है, ओह, ओह मीन्स अहा, लुक मीन्स देखो, स्विंग झूला, ट्री मतलब पेड़, ओह लुक एट द स्विंग ऑन द ट्री, ओह अहा पेड़ पर झूले को देखो। इस चित्र में यहाँ पर ये झूला दिखाई दे रहा है, वहाँ दोनों बच्चे हैं और झूल रहे हैं, तो इस झूले को हम स्विंग कहते हैं। लुक एट द स्विंग ऑन द ट्री, पेड़ पर झूले को देखो। फिर मोना कहती है, यस हाँ, दिस इज माई स्विंग, यह मेरा झूला है, दिस यह माई मेरा स्विंग झूला, यह मेरा झूला है। कम आओ, वी सेल स्विंग फॉर सम टाइम, सम टाइम कुछ समय के लिए, हम कुछ समय के लिए झूला झूलेंगे, हम कुछ समय के लिए झूला झूलेंगे। फिर बाला कहती है, ओह दैट विल बी सो नाइस, नाइस मीन अच्छा, यह बहुत अच्छा होगा, यह बहुत अच्छा होगा। फिर देखते हैं, मोना कहती है, हियर आर यहाँ हैं सम कुछ फ्रेश ताजे टोमेटोज, टमाटर, पीज, मटर, बीन्स, सेम सेमी फॉर के लिए, यू तुम्हारे लिए, हियर आर सम फ्रेश टोमेटोज, पीज एंड बीन्स फॉर यू, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ ताज़े टमाटर, मटर और बीन्स हैं। बाला कहती है, थैंक यू मोना, धन्यवाद मोना, योर फार्म इज लवली, तुम्हारा खेत बहुत सुंदर है, लवली मीन्स सुंदर, तुम्हारा खेत
बहुत सुंदर है। आई एम हैप्पी टू हैव कम हीयर, हैप्पी मतलब खुश, कम हीयर यहाँ आकर, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। आई एम हैप्पी टू हैव कम हीयर, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। इट्स सो क्वाइट, क्वाइट मतलब शांति है। एवरीथिंग चारों तरफ लुक दिखाई देता है, ग्रीन हरियाली, हरा, ब्यूटीफुल, सुंदर। यहाँ बहुत शांति है और चारों तरफ हरियाली और सुंदरता दिखाई देती है। इट्स सो क्वाइट, यहाँ बहुत शांति है एंड एवरीथिंग लुक्स ग्रीन, चारों तरफ हरियाली और ब्यूटीफुल सुंदर सुंदरता दिखाई देती है। आई लव इट, इट मतलब इससे, मुझे इससे प्यार है। आई लव इट, मुझे इससे प्यार है। फिर मोना कहती है, लास्ट लाइन है ये, यस बाला, हाँ बाला, ऑफन प्रायः अक्सर, कम हीयर यहाँ, कम मतलब आती हूँ। आई ऑफन कम हीयर, मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। प्लीज़ कृपया, कम अगेन, अगेन मीन्स दोबारा, कृपया दोबारा आना, कृपया दोबारा आना। मोना कहती है, यस बाला आई ऑफन कम हीयर, हाँ बाला मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। प्लीज़ कम अगेन, कृपया दोबारा फिर से आना।